हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हाँ, आपने टाइटल सही पढ़ा है, इट्स बेदिंग टाइम। आज तीनों बच्चों को नहलाया जाएगा, थोर, हेला और खुशी को। खुशी को वैसे नहला नहीं रहे थे, उसको मैं ड्राई वॉश कर रहा था, बट थोर की वजह से उसको नहलाना ही पड़ेगा। आगे मम्मी बताएगी क्यों नहलाना पड़ेगा, बताओ अपने। बहुत गंदी स्मेल हो रही है उसके अंदर, क्योंकि सारा दिन थोर उसको चटता रहे, अपनी लार जो उसका चेपता रहे। तो और ये थोर के लिए बेडशीट है, ये हेला की और ये खुशी की। और अब ऊपर जा रही है। और हमारे लिए कोई बेडशीट नहीं है, देख लो भाई, देख लो। बेडशीट क्यों बनी है, बड़ा बेड है उनके लिए, मैं तुम्हारे लिए। मजाक था, चलो तो मैं दिखाता हूँ। तीन, दो बाल्टी गर्म पानी की, एक ये भी और एक वोरी, और एक खाली पानी, खाली बाल्टी मेरे वाले फ्लोर से लेके आनी है मुझे। और लेकिन आज एक बार खास बात और है, थोर का मसाज होने लग रही है। मम्मी ने नया वो स्कीम निकाली, क्योंकि थोड़े थोर के ना हेयर बहुत ज्यादा गिर रहे थे, उसकी मेडिसिन भी चल रही है। बट मम्मी ने ना दही में नारियल का तेल डाल दिया और उसको ऐसे मिक्स कर दिया, अब उसके ऊपर लगाना है वो मालिश करेंगे जैसे अपने सर में करते हैं ऐसे। फर्स्ट बकेट, सेकेंड बाल्टी, इसको सोने देते हैं। इसकी थर्ड नंबर पे इसकी बारी आएगी, तो तब तक इसे सोने देते हैं। बाल्टी ले चलते हैं मेरे फ्लोर से, मजे बहुत आते हैं भाई। एक बार मैं गिर भी गया था, पता है लोगों को, यहीं पड़ा हुआ था यहाँ पे ऐसे पसंद। चलो पापा जी, पहले किसको नहलाना है? हेला को। क्या रीजन है? हाँ, ये थक रहे हैं तो मतलब गर्म है अभी इनके शरीर, तो हेला को ले आते हैं। हेलो बेटी, चलो नहाने के टाइम हो गया तेरा, ये क्या पत्ते पुत्ते बांट उसमें। चला आ जा मेरी बेटी, अब नहाने का टाइम हो गया तेरा, आ जा, चले चले डाउन। देखियो इसकी आंखों पे को साफ करते हैं, पर अभी बहुत मैली हो गई है, अभी ये ज्यादा मैली हुई हुई है, तो इसलिए इसका नहलाना पड़ेगा। बहुत प्यारी है यार ये बेटी। चलो ऊपर चलते हैं। लो पापा जी, आपको सौंप रहा हूँ मैं। देखना देखना, तंग करना है इसको। सबसे ज्यादा दिक्कत हेला को नहलाने में होती है, ये हमें तो कुछ नहीं कहती, पर फिर भी इसको लगती तो है। पानी पसंद नहीं होता ना बिल्लियों को, है ना पापा जी? मैं आप सबके लिए इस चीज को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो जज मत करना कि पापा काम कर रहे हैं फिर में। पापा को भी पसंद है पापा जी, कई दिनों बाद हेला के नहाने का व्लॉग आएगा, है ना पापा जी? सबके नहाने का, हेला का तो आया था, एक स्टार्टिंग में डाला था ना हेला का व्लॉग, उसमें कि छिपकली सी निकली, सच में वापस छिपकली निकलेगी, देखना भी इनकी लड़ाई। पापा इनकी तो बढ़िया दोस्ती हो गया हेला की बात हो रही है। सबके साथ नहीं करती आप, सिर्फ हम चार जनों के साथ। आ जा तू भी आ जा, इसको बीच में घुसना है पापा, देख लो आपके बच्ची को, इसको इधर आ, खुशी ओए इधर आ, तू मेरे पास आ जा, इधर आ, इधर आ जा, इधर बैठ, चल आ जा, बैठ जा, बैठ जा, और उधर तू भी बैठ जा, आगे जाके सारे बारी बारी से ना हो गए। इसका ड्रायर क्या,
रह मैं ले आता हूँ। अभी भी शांति 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 नहीं है तेरे है। अब इसको मेरे को अंदर लेके जाना पड़ेगा। हेलो गो थोड़ा हट जा एक बार भाई हट जा। हेला को ठंड लग सकती है तो हेला को एक बार इस पे पहुंच के उसके बाद नीचे ड्रायर से मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। तब तक थोड़ ना आएगा उसके बाद जब तक मैं ऊपर आ जाऊंगा फिर उसकी बारी आएगी। तो अब किसकी बारी है पापा जी? इसकी छोटू की छुटकू की। चलो भाई खुशी पहुंचो। या तो खुशी दो या तो खुद तो खुशी है लेकिन आपा ने दुखी कर दी। इधर आ जाओ भाई या इसको ओए खुद ही आ जाओ यार। ये तो नई नई चीज करने के शौक है पापा। तेरे को क्या लगा यार रुक जी गरम पी गया पानी। देखियो इसका तो कान के अंदर जाने की कोई दिक्कत ही नहीं है। कान इतने लंबे हैं इसके। बैठ जा थोड़ा सेट चल आगे सेट। ओए खुशी अच्छा ये भूख रहा है जी पापा। रुक जा रुक जा रुक पापा कितना कितना जोर लगा रही है ना जोर देखो देखो पूछ पूछ। खुशी ओ चल चल थोर देख रहे क्या हो रहा है इसके साथ। थोर क्या हो रहा है थोरू क्या हो रहा है भाई इसके कान से इसके आग पूछ रहा हूँ पापा जी। चलो भाई अब इसकी भी चादर देते। इसकी कौन सी है पापा? लो भाई खुशी भी ना चुकी है थोड़ी अब तेरी बारी आ गई है। इसमें तो नहाने के लिए इसमें इतनी ज्यादा वो नहीं करी खुशी ने। हाँ पहली बार नहीं है ना यार वापिस से ट्राई करूं वहां से फेंको यहाँ से। क्या लग रहा है पापा कौन से वाले में डालू बताओ? बीच वाले में। क्या लगता है डल जाएगा? अगले में डल गया बीच वाले में डालना था। तीन बार ट्राई करनी है एक बार होगी। हट थरू हट ओ ये देखो ये रहा हमारा बच्चा हमारे पास और ये कांप रही है अब क्योंकि इसको ठंड लग रही होगी तो इसको मम्मी के पास दे के आता हूँ। जैसे हेला को भी मैं मम्मी के पास ही दे के आया था। मम्मी उसको ड्रायर कर रही है अभी इसको छोड़ गया है फिर इसको खाना खिला के इसको सुला देंगे। स्मेल थोड़ी सी आ रही है। इसको ना शैम्पू नहीं लगाया क्योंकि जानबूझ के लगाया कि एक बार इसको रिएक्शन वगैरह ना हो जाए। अभी छोटा बच्चा है ये तो मजबूरी में नहलाना पड़ गया वैसे नहलाना नहीं था इसको भी। ये काम है ये भी बैठ जाए अबे बैठ जाए। ये देखो इसे पता है कि यहाँ पे ये खाने का है तो अब नीचे आते ही सबसे पहले खाना मांगने लग रही है ये क्योंकि इसके खाने का टाइम हो गया ना बच्चू का। देखो देखो कैसे देख रही है लू। ठीक है अब ड्रायर करना जरूरी है नहीं इसके बाल पानी रह जाता है ना तो एलर्जी हो सकती है। चलो इसको खाना दे देते हैं। ये क्या कर रहे पापा ये क्या कर रहे थे? चल 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 नहा ले।
कैसा लगा भाई ये बेदिंग वाला एपिसोड? तीनों को निला दिया वन बाय वन, अब हमारी बारी है नहाने की, पर वो हम कैमरे में नहीं शूट करेंगे। चलो भाई इसी के साथ ही इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, ठीक है? ओके बाय।